नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव एमटीआर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हीरो की मोस्ट पॉपुलर बाइक एंड इंडिया की 100 सीसी में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में। आज मैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के पांचों वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको फाइनेंस की डिटेल भी देने वाला हूँ। अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो तो आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, बैंक की तरफ से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इसको 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने के लिए फाइनेंस कराते हो तो डाउन पेमेंट और ईएमआई आपकी कितनी आएंगी 12, 18 और 24 महीने के लिए। फाइनेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसके पांचों वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस मथुरा यूपी का बता देता हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की। अगर आप इसको किक स्टार्ट विद एलॉय व्हील्स BS6 में लेते हो तो 74,427 की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट विद एलॉय व्हील्स BS6 वेरिएंट में लेते हो तो 76,867 की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको ब्लैक एंड एसेंट वेरिएंट में लेते हो तो 78,137 रुपये की ऑन रोड है। अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट विद एलॉय व्हील्स एंड I3S टेक्नोलॉजी के साथ लेते हो तो ये आपको 78,664 की ऑन रोड मिल जाएगी। इसके बाद जो टॉप एंड मॉडल है वो आपका 100 मिलियन स्पेशल एडिशन है, जो कि 80,152 रुपये का ऑन रोड है मथुरा यूपी का, जो मैंने आपको प्राइस बताया है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम कमेंट कर दें, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस स्प्लेंडर का या किसी भी हीरो की बाइक का बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस के I3S सेल्फ स्टार्ट विद एलॉय व्हील्स मॉडल को फाइनेंस कराते हो तो यहाँ पे आपकी ऑन रोड कीमत 78,664 रुपये रहेगी, जिसमें से डाउन पेमेंट आपकी 20,000 रुपये जाएगी और जो लोन अमाउंट है वो है 58,664 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10 से 12% का रहेगा। 12 मंथ के लिए अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो तो 5,735 की 12 EMI जाएंगी, जो टोटल कॉस्ट है आपकी 12 महीने की 88,820 रुपये की। तो हम बात कर लेते हैं इसके 18 महीने के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऑन रोड प्राइस 78,664 रुपये रहेगा I3S मॉडल का। डाउन पेमेंट आपकी 20,000 रुपये जाएगी, 58,664 रुपये आपका लोन अमाउंट रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10 से 12% ही रहेगा। अगर आप 18 महीने के लिए फाइनेंस कराते हो तो 4,013 की आपकी 18 EMI जाएंगी। टोटल कॉस्ट की बात करें 1.5 साल में तो 92,234 रुपये टोटल कॉस्ट जाएगी। अब हम बात करते हैं 2 साल के लिए अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो तो ऑन रोड प्राइस आपका सेम रहेगा 78,664 रुपये, डाउन पेमेंट आपकी 20,000 जाएगी, लोन अमाउंट भी आपका सेम रहेगा 58,664 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 10 से 12% रहेगा। 31,552 रुपये की आपकी 24 मंथ की EMI जाएंगी। अगर हम बात करें इसके टोटल कॉस्ट की, 95,648 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट आएगी अगर आप इसको 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो विद इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस को लेकर। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फाइनेंस कराने के लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, एक बैंक की पासबुक और एक आपके पास चेकबुक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप पासबुक से भी लोन को अप्लाई करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। तो ये हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप हीरो की या किसी भी कंपनी की कोई भी बाइक फाइनेंस कराना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है लोन अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों, मैं बात करूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस की, अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप हीरो स्प्लेंडर की रिव्यू वीडियो देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंसन कर दूँगा उसकी लिंक रिव्यू वीडियो की, जहाँ से आप स्प्लेंडर प्लस की रिव्यू वीडियो देख सकते हो। अब शोरूम का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप मथुरा से हैं तभी आप इनको कॉल करें, अदर स्टेट वाले मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी के हिसाब से आपको ऑन रोड प्राइस हीरो स्प्लेंडर का या किसी भी बाइक का जो कि हीरो से रिलेटेड है मैं आपको आंसर करके ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कुछ पूछना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।